हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं इसी तरीके से आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और इससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं कि एडेनियम किन कारणों के खातिर मर जाते हैं। तो वो कई कारण हैं एडेनियम के मरने के, जिसकी वजह से एडेनियम मर जाते हैं। तो सबसे पहले कारण साथियों यही है कि ओवर वाटरिंग हो जाना, यानी अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो आपके एडेनियम जो है वो गलने लगेंगे और उस कारण एडेनियम मर जाता है। दूसरे, एडेनियम के अंदर अगर आपने बहुत तेज धूप हो रही है और आपकी सॉइल तक गर्म हो गई है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, उस पीरियड में अगर गर्म पोट के अंदर पानी डाल देंगे तो भी एडेनियम जो है वो मरने के चांस हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है कि एडेनियम ओवर वाटरिंग से भी मरता है और तेज़ धूप के अंदर अगर आपने पानी डाल दिया तब भी एडेनियम के मरने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर गर्म मिट्टी होती है और गर्म मिट्टी में अगर जब पानी पड़ता है तो स्टीम बन जाती है और वो स्टीम जो है वो रूट को गला देती है, इस वजह से भी एडेनियम मरता है। और दूसरी वजह साथियों ये है कि ओवर डोज फर्टिलाइज़र हो जाना, यानी अगर आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ओवर डोज दे दिया या जल्दी जल्दी दे दिया तो उससे भी आपका एडेनियम जो है वो हीट की वजह से उसके रूट गल जाएंगे और उससे ज़्यादातर कोडेस गलता है, यानी रूट नहीं गलेंगे और बल्कि कोडेस जल जाएगा, यानी कोडेस जो है वो गलने लगता है और ऊपर से एडेनियम गलता है, यानी कोडेस के अंदर जो पानी भरा होता है या जो गूदा होता है उसके अंदर इतनी हीट पहुंच जाती है, यानी वो गलने लगता है। तो एक ये वजह है कि एडेनियम जो ओवरडोज जो होता है वो उसके रूट नहीं, पहले उसका कोडेस गलता है, ये उसकी वजह है ओवरडोज फर्टिलाइज़र की, ये पहचान है। अगर आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र दे दिया या बहुत जल्दी जल्दी दे दिया या बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र दे दिया, उससे आपका कोडेस जो है वो गलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसका गूदा और उसका पानी एडेनियम को हीट कर पहुंचा देता है और उसकी वजह से एडेनियम जो है वो कोडेस गलने लगता है। तो कभी भी एडेनियम में ओवरडोज फर्टिलाइज़र कभी ना डालें, और अगर ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो जाएगा तो आपका कोडेस जो है वो गलने लगेगा। और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा नहीं देना है ये भी मालूमात होनी चाहिए। बहुत से फर्टिलाइज़र बहुत ही हार्ड होते हैं कि अगर वो आपने डाल दिए तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। वैसे तो न्यूट्रिएंट्स तो सारे चाहिए होते हैं एडेनियम को, और सारा मिकदार में अगर मिक्सचर मिल जाए आपको मार्केट में, जैसे कि मैं लाया था आपके एक अजूबा फर्टिलाइज़र और मैंने ट्राई मारी 2-3 प्लांटों में, और लेकिन उसने मुझे समझा दिया था कि ये बहुत ही कम तादाद में डालना है और अगर गमले में डालना है तो एक चुटकी ही डालना है। तो मैंने उसी तरीके से किया, उससे बहुत ही अच्छी हमारे प्लांट की ग्रोथ हुई। जानकारी रासायनिक फर्टिलाइज़र की बहुत कम लोगों को होती है और हमें भी बहुत कम है, लेकिन हम सेलर से ही मालूम कर लेते हैं कि ये इसका क्या काम है और ये कितनी हार्ड है और एक प्लांट के अंदर कितनी पड़ेगी, क्योंकि वो खेतीबाड़ी के अंदर डालने वालों को तो वो उनकी पता है कि एक एकड़ में कितना डालना है तो उसके हिसाब से वो देते हैं, और अगर एक प्लांट में डालना है, एक पोट के अंदर डालना है तो हमको उनसे ही मालूम करना पड़ता है। ये वजह है कि वो हमको उसकी तादाद बता देते हैं कि जिसकी वजह से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचता है। और मैं लिया, जैसे कि मैंने जिसे मान लिया कि ये इतना बड़ा पोट है ये हमारा, अब इस पोट के अंदर हम डीएपी के 4-4 दाने डालेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और कितने दिन के बाद डालना है ये कम से कम 20 दिन के बाद डालना है। अगर आपने आधा चम्मच यानी आधा टीस्पून इसके अंदर डाल दिया और तो ये फौरन इसका ये कोडेस जो है ये गल जाएगा ऊपर से, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा एडेनियम जो है वो गल चुका है। और कोडेस जिस प्लांट का गल जाता है फिर वो बिल्कुल किसी हालत पे एडेनियम नहीं रुकता है। जो रूट एक आध गलते हैं, जैसे कि रूट 4 रूट गल गए एक बचा,
तो एक भी रूट से आपका एडेनियम जो है ग्रोथ करता रहेगा, और तीन रूट आप या तो काट के निकाल दें अगर आपको पता चल गया है, और एक ही रूट से आपका एडेनियम चलता रहेगा, अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र का कितना देना है, रासायनिक फर्टिलाइज़र कितना नहीं देना है, इसकी मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर रासायनिक फर्टिलाइज़र ना दें। आप रासायनिक फर्टिलाइज़र ना दे के ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि मैंने कल इनको ह्यूमिक एसिड और बोन मील डाला था, बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है, यानी ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक अगर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो प्लांट को नुकसान नहीं देता है, ये फ़ायदा है। और बहुत से फर्टिलाइज़र ऐसे हैं यानी काउडन टाइप के जो फर्टिलाइज़र हैं, वो आपने अगर डाल दिए और वो कच्चा पड़ गया, यानी कच्चा खाद है, अच्छी तरीके से सड़ा हुआ नहीं है, अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ है, उसको अगर आपने प्लांट के अंदर डाल दिया तब भी आपके एडेनियम में फंगस लग जाएगी और उसके ज़रिए भी एडेनियम मर जाते हैं। अब साथियों आप करते हैं बात की और इसका अगला क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से एडेनियम मरता है, वो रीज़न है साथियों रिपोर्टिंग के टाइम, यानी रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपने सॉइल अच्छी वर्ल्ड्रेन और उसके अंदर किसी किस्म का फंगस का कोई अटैक करने का कोई फर्टिलाइज़र ना पड़ा होगा तो आपका एडेनियम सेफ रहेगा। अगर आपने उसके अंदर कच्चा फर्टिलाइज़र डाल दिया, लीफ कंपोज या काउडन, तो उससे भी एडेनियम जो है वो गलने लगेगा और आपका सर्वाइव ही नहीं करेगा एडेनियम। यानी रिपोर्टिंग के टाइम पर भी आपके एडेनियम मरते हैं ज़्यादातर, और रिपोर्ट करने के बाद में उसको शेड में ज़रूर रखें। अगर आपने धूप में उसको रखा रहन दिया तो आपका एडेनियम सर्वाइव नहीं करेगा और एडेनियम गलने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद में साथियों एक और रीज़न है कि अगर आपका एडेनियम रूट रूट हो गया है और आपने उसके रूट निकाल दिए हैं और वो रूट अच्छी तरीके से सूखे नहीं हैं या उसमें फंगिसाइड ठीक से नहीं लगाया है, अगर वो ठीक से नहीं सूखा है और आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, और तो ऐसा एडेनियम भी गलने लगता है कि जो ढंग से उसकी जो कटा हुआ हिस्सा है रूट वो सूखा नहीं है और आपने उसको रिपोर्ट कर दिया है तो, और उसके अंदर अगर पानी पड़ गया तो वो फौरन एडेनियम आपका गल जाएगा, एक रीज़न ये भी है। तो जब तक अच्छी तरीके से कटा हुआ हिस्सा सूख ना जाए तब तक उसको रिपोर्ट ना करें, और लगभग इसको सूखने में 3 दिन लगते हैं। आप उसके रूट को काट के और उसमें फंगिसाइड लगाकर कम से कम 3 दिन के लिए आप उसको शेड में रखकर सुखाएं और उसके बाद में उसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर वो अच्छे सर्वाइव करेगा, और रिपोर्ट करने के बाद में भी आप उसको कम से कम 10-15 दिन शेड के अंदर ही रखें और तो अच्छी ग्रोथ कर लेता है एडेनियम और इसको खतरा नहीं रहता है। और इसके बाद में अगला रीज़न है साथियों ये पानी एडेनियम को कम देना, यानी 15-15, 20-20 दिन तक पानी नहीं दे रहे हैं और कोई बारिश भी नहीं हो रही है और एडेनियम बहुत ज़्यादा गर्मी में रखा हुआ है तो उसका कोटेज जो है वो शिलिंग होने लगा है। जब कोटेज शिलिंग होने लगता है तो अगर आपने उसके बाद में भी पानी उसको नहीं दिया और उसको भी 8 दिन और लग गए, एक्स्ट्रा हो गए, तो नीचे के जो रूट हैं वो सब सूख जाएंगे और सूखने के वहीं से फंगस लगने लगेगी। ऐसा एडेनियम भी सर्वाइव नहीं करता है कि जो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, और जब ज़्यादा सूख जाता है तो फिर वो नहीं चलता है और वो अक्सर अंदर से उसका जो मुलायम गूदा है शिलिंग हो जाता है और उसकी वजह से वो एडेनियम जो है वो मर जाता है। तो साथियों ये रीज़न होते हैं एडेनियम को मरने के कि अगर इनका आपने केयर कर लिया तो आपके एडेनियम को कोई ख़तरा नहीं होगा और अच्छे तरीके के सर्वाइव करते रहेंगे। अगर आपने इन जानकारियों से अपने एडेनियम को बचा लिया तो बच जाएगा, और नहीं तो आपका एडेनियम है वो खतरे में रहता है अक्सर। तो कुछ ही दिन में अब रह गए हैं और बारिशें जब जैसी कम होंगी वैसे इसके अंदर वर्ड्स आने लगेंगे, और कुछ प्लांटों में तो आने भी लगे हैं वर्ड्स, ये देखिए इस तरीके से कुछ प्लांटों में वर्ड्स आने भी लगे हैं, ये देखिए इस प्लांट के अंदर बर्ड्स आ रहे हैं और कई उसमें ये देखिए इसके अंदर भी ये देखिए शुरू हो गए हैं। इस टाइम पर ये वर्ड्स जो हैं वो बेकार हैं क्योंकि इनके ऊपर अगर पानी पड़ जाएगा बारिश का या आपने स्प्रे कर दिया तो ये फौरन काले होके और गिर जाते हैं और या खिलते नहीं हैं। यानी अगर फुल साइज़ का भी वर्ड्स हो चुका है और कल खिलेगा और आज इसके अंदर पानी पड़ गया तो फौरन ऐसा वर्ड्स जो है वो फिर खिलता नहीं है और काला पड़ के और गिर जाता है।
तो इस तरीके से जो वर्ड्स हमारे आ जाते हैं इस टाइम पर वो ज़्यादातर बेकार जाते हैं। जो इस टाइम पे ग्रोथ पर है एडेनियम, जो ग्रोथ है वो वर्ड्स आने से थोड़ी हल्की पड़ जाती है और पूरा जो अपना वो ताकत है वो वर्ड्स पे लगा देता है। तो कम से कम 15 दिन के बाद ही वर्ड्स आने शुरू हुए, तब वो वर्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से खिलेंगे जब बारिशें भी हल्की हो जाएंगी और बाई चांस बारिश पड़ेगी। और जब तक आप अपने ये वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल इनके अंदर नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी रहे हैं तो वो गिर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उनका। और इससे बेहतर तो यही है बारिशें बंद हो जाएं, यानी जब बारिशें बंद हो जाएं तब इसके अंदर वर्ड्स आनी चाहिए। तो उस टाइम पर साथियों इनके अंदर ऐसा फर्टिलाइजर दें जिसमें सब में सारे के सारे एडेनियम के अंदर एक साथ वर्ड्स आ जाएं। तो या तो आप इसके अंदर पोटाशियम यानी जो पोटास आती है लाल रंग की, वो भी आप इसके अंदर एक एक टीस्पून डाल देंगे तो उससे बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। एनपीके 1919 से भी फूल आ जाते हैं। और उसके बाद में साथियों एक सबसे बेहतर जो फर्टिलाइजर है वो फूल लाने के लिए बहुत बेहतर होता है। उससे क्या होता है कि सारे के सारे एडेनियम में एक साथ फ्लावरिंग आती है और पूरा गार्डन एकदम एडेनियम के फूलों से भर जाता है। तो वो फर्टिलाइजर है साथियों 052134। जब आप इसके अंदर डालेंगे तो उससे जो फ्लावरिंग आएगी तो देखते ही बनेगी। और उस जब हल्की ठंड पड़ने लगती है, मौसम नॉर्मल हो जाता है, उस पीरियड में अगर आपने इसको डाल दिया तो फूल का जो साइज होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा और उसके कलर जो होंगे वो भी बड़े चटक होंगे। और बोन मील का जो है वो बोन मील का भी बहुत हाथ होता है फ्लावरिंग के लिए। बोन मील के डालने से भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और बोन मील से कलर जो फूलों के हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, यानी चटक कलर आता है और फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो साथियों इस तरीके से अगर आप इसके अंदर फ्लावरिंग के लिए जब खाद डालें तो ज़्यादातर 052134 डालें। और वैसे तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कुछ नहीं है तो आप केले के छिलके का पानी, उसको केले के छिलके को आप पहले किसी बाल्टी के अंदर गलाएं, जब वो गल जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाकर और उस पानी को देंगे तो उसके अंदर भी पोटाशियम होती है और उससे भी आपका एडेनियम को पोटास मिल जाएगी और फ्लावरिंग आने लगेगी। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।